भोजपुर भगवान महाकाल शिव शंकर के दर्शन करने, और बेटू तैयार हो गई है और शिवानी तैयारी में लगी हुई है। ये हमारा दोस्त वरुण आ गया है, ये रेडी है जाने के लिए। ये मम्मी है और ये एनी, ये लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ में भोजपुर। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं ब्लॉग में हम लोग भगवान शिव के दर्शन करवाते हैं। सावन का महीना चल रहा है। ये देखो बेटू ने लिपस्टिक लगा ली है, आप लोग बताओ बेटू को, कमेंट्स करो बेटू कैसी लग रही है लिपस्टिक में। वरुण आ गया है, नी ये बेटू आ गई है, नेहा ये देखो शिवानी मम्मी लोग आ गई हैं। चलते हैं भोजपुर के लिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम लोग चले जा रहे हैं यहाँ से, थोड़ी देर बाद 5 नंबर आने वाला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन मंदिर वगैरह है यहाँ पर, ये धीरे से 5 नंबर आने वाला है। ये 5 नंबर आ गया है, ये मंदिर हनुमान जी का। 7 नंबर स्टॉप आ गया है यहाँ से। ये रानी कमलापति स्टेशन आने वाला है, ये आ ही गए हैं हम एक प्रकार से। ये सामने जो दिख रहा है आपको रानी कमलापति स्टेशन है ये। आप इतना सुंदर रानी कमलापति स्टेशन हो गया है, जब भी कभी भोपाल आए एक बार जरूर इस स्टेशन पर आए घूमने या देखने। ये हबीबगंज स्टेशन, हबीबगंज रानी कमलापति। हाँ रानी कमलापति, सॉरी फिर उसमें लोग बोल देंगे ना। ये फिर से होटल बन रही होगी, ये हो रही है। एक साइड से मेट्रो जाएगी और एक साइड से आएगी। ये एम्स तक के लिए है, यहाँ से एम्स जाने के लिए मेट्रो से भी जाया जा सकता है आने वाले कुछ सालों में। ब्रिज है, यहाँ से हम उतर कर आशिमा मॉल हमें मिलेगा, और उसके बाद 11 मील के लिए हम वहाँ से लेफ्ट लेंगे फिर मंदिर के लिए। कितना प्यारा लग रहा। आशिमा मॉल आ गए हैं हम, अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर 11 मील आएगा, जहाँ से लेफ्ट लेकर हम बाबा भोजपुर के लिए महाकाल के लिए मुड़ेंगे। जीवन मॉल आ गया है, अब थोड़ी दूर पर यहाँ पर 11 मील आने वाला है। यहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपको बेस्ट प्राइस भी मिलेगा,
जहाँ से आप पूरा घर का सामान शॉपिंग किराना से लेकर सब कुछ खरीद सकते हैं। वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर मान लो मेरे हिसाब से, और भगवान शिव भोजपुर मंदिर आ जाएगा। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे। 11 मील के बाद हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, ये देखिए सामने ये 11 मील आ गया है और ये लिखा है रायसेन और भोजपुर, तो वो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध स्मारक भीमबेटका का भी लिखा हुआ है और मिडवे रिट्रीट भोजपुर 13 किलोमीटर यहाँ से है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग की जय, भगवान शंकर की जय हो, जय श्री माता। बेटी को लग रहा है कि ऐसे में क्या नानी के यहाँ आ गई है भैया वो, जबकि हम लोग भोजपुर दर्शन के लिए आए हैं भगवान शिव के दर्शन करने। और बेटू को मैंने, आपको क्या लग रहा है कहाँ आ गए हो? लग रहा है कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे थे? अभी बोल रहे थे ना आप नानी के यहाँ जैसा लग रहा है। गंदी गंदी है बच्ची, गंदी है। अपन कहाँ चल रहे हैं मन्नी? भोजपुर। क्या करने चल रहे हैं वहाँ पर? कौन मिलेंगे वहाँ पर? शंकर जी मिलेंगे। हाँ? आप जय करोगी? हाँ? कैसे करोगी? जय नौटंकी वाला है जो कि भगवान शिव तो उड़ के जा रहा है ना। सर लोनावला से आ गए हूँ। अच्छा। हाँ मुंबई। वाओ। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना पानी गिरा हुआ है यहाँ पर भोपाल में, भोजपुर में, के पूरे खेतों में पानी भर गया है। और ये देखो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर, और ये मंदिर आ गया है जय माँ चामुंडा देवी धाम का। मैं प्रणाम करता हूँ उनको, आप लोग भी जरूर यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। और बहुत सुंदर दृश्य इस समय सावन के महीने में, बादल पूरे भर चुके हैं पानी से, गिरने के लिए तैयार हैं वो, लेकिन देखो अब कब गिरने वाले हैं वो। अभी तो पानी बंद है फिलहाल यहाँ। ये देखो आप हैप्पस ईस्टर के बाद भगवान शिव के मंदिर पास ही बचता है, और आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी हो गई, हरे बड़े हरे भरे पेड़ हैं यहाँ, और ये सब लोग दर्शन करके आ गए हैं।
हम इस समय जा रहे हैं दर्शन के लिए। इतनी भीड़ है इस समय यहाँ पर कि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कितनी लगी हैं यहाँ। नजारा है इस समय भोजपुर का। भैया अपन भी रुकते हैं ना यार, फिर तब तक लेट जाएं। अपने अपने परिवार को लेकर भोजपुर दर्शन के लिए आए, भगवान शिव के दर्शन कराए उन सभी को। मैं उनके लिए प्रणाम करूंगा उन सभी के लिए। और आप हमारे ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी आशा है आपसे। ये बाबा भोजपुर की नगरी जरूर आएंगे। बहुत तेज गिर रहा है, दर्शन के लिए अभी रुक गए हैं। देख सकते हो आप ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है। खाने लग गए हैं, आप लोग भी खा लो कुछ। बैठे हुए हैं अभी, आप लोग भी कुछ खा लो जब तक। पापा को खिला दो, लाओ पापा को खिला दो। ये मिट्टू ने मुझे खिला दिया है, पापा ने खा दिया। हाँ तो बहुत तेज पानी है ना। आप लोग भी खा लो। फाइनली हम लोग भोजपुर आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, इंतजार शानदार दृश्य और पानी बहुत ही शानदार गिरता हुआ। हम आ गए हैं यहाँ पर धीरे 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 करते हुए, यहाँ वहाँ घूमते घामते। भैया और इतवानी मम्मी लोग सब चले आ रहे हैं क्योंकि पानी बहुत गिर रहा है भोजपुर में। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पर। ये वरुण दादी लोग गुस्सा हो रहे हैं आपस में, और ये बेटी काव्या मान्यता मंदिर के गेट से अंदर एंटर हो गए हैं। और ये देखिए आप, बहुत सुंदर। क्या मम्मी, ये शिवानी बहुत मस्ती कर रही है। ये देखो मम्मी, और ये लोग गुस्सा हो रहे हैं, मर रहा है और उन गीला हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन नजारा इस समय का, भगवान शिव के दर्शन करने का। चलो आगे चलो आगे। हर हर शंभु।